Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. इंडिया श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच हुआ पुणे में। अब आप कहेंगे कि टीम इंडिया तो वो मुकाबला हार गई, लेकिन इस हार में दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो टीम इंडिया जिस तरीके से खेली, क्योंकि एक वक्त पर जब टीम इंडिया के 5 विकेट गिर गए थे उसके बाद उस तरीके से बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, लेकिन सूर्या ने और अक्षर पटेल ने वो काम किया। ऐसे में मैच के बाद राहुल द्रविड़ आए टीम इंडिया के हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने एक बात कही जिससे अब ये इशारा जाता है कि जो भारतीय टीम है वो रोहित विराट से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है और साथ ही युवा खिलाड़ियों को लेकर अब टीम इंडिया ने नई प्लानिंग कर ली है। एक वक्त था जब T20 में रोहित शर्मा और विराट कोहली के सामने कोई भी गेंदबाजी आक्रमण क्यों ना हो, दोनों ऐसी धुनाई करते थे कि गेंदबाज भौचक्के रह जाते थे। लेकिन हाल में हुए एशिया कप और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में टीम का जिस तरह का प्रदर्शन रहा उसे देखकर ऐसा लगता है कि सेलेक्टर्स अब क्रिकेट के इस फॉर्मेट में एक यंग टीम बिल्ड करना चाहते हैं, एक ऐसी यंग टीम जिसकी सोच आक्रामक हो। इस टीम की झलक श्रीलंका के खिलाफ चल रही T20 सीरीज में भी देखने को मिली। नई टीम इंडिया भले दूसरे T20 में हारी, लेकिन खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने सबको इम्प्रेस कर दिया। टीम के प्रदर्शन को देखते हुए शायद अब सेलेक्टर्स T20 में विराट कोहली और रोहित शर्मा से आगे बढ़कर युवा खिलाड़ियों पर दाव खेलेंगे। इस बात के संकेत कोच राहुल द्रविड़ ने भी दिए हैं। मैच के बाद राहुल द्रविड़ ने कहा, भारतीय टीम ने जो पिछला सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप खेला था उसमें सिर्फ 3-4 लड़के ही इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 में भारत की टीम में खेल रहे हैं। हम अगले T20 शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ही अलग स्टेज पर हैं। यही वजह है कि हमारी टीम पूरी तरह से युवा है और श्रीलंका जैसी मजबूत टीम के साथ खेलकर अच्छा अनुभव रहा है। इसमें अच्छी बात यह है कि हमारा पूरा ध्यान वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर है। ऐसे में T20 में हमें इन युवाओं को आजमाने का अच्छा अवसर मिला है। द्रविड़ का ये बयान कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि टीम T20 फॉर्मेट में रोहित और विराट से अब आगे बढ़ चुकी है और युवा चेहरों पर भरोसा जताएगी। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में रोहित और विराट को आराम दिया गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेला जाना है। ऐसे में सेलेक्टर्स T20 के लिए एक नई सोच और नए टेम्पलेट की टीम चाहते हैं जो 2007 का कारनामा दोबारा दोहरा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड सीरीज में क्या सेम टीम ही चुनी जाती है या फिर सीनियर खिलाड़ियों को मौका मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट स्पोर्ट्स तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।